नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल टू जोन में तो आज मैं आपके लिए ओलन सॉल का एक डिज़ाइन ले आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बनने के बाद तो बहुत ही खूबसूरत लगता है अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे ज़रूर लाइक करें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे जरूर कमेंट करें तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूं आज के वीडियो में मैं आपको ये वाला शॉल बताने जा रही हूं इसे मैंने टू प्लाई ऊन से बनाया है आप चाहे तो इसे थ्री प्लाई ऊन से भी बना सकते हैं तो इसके लिए आप कोई भी अपने पसंद का कलर ले लीजिए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इस तरह से देखे एक लूप बनाना है और इसके बाद हम यहाँ पे एक एक करके पांच चैन बनाएंगे जब इस तरह से मेरा पांच चैन बन जाए तो ये जो पहला वाला चैन है इसके बीच से हमें इस तरह से देखिए एक स्लीप स्टिच बनाना है और फिर हम इसके बीच से भी इस तरह से देखें निकाल लेंगे और इस तरह से मेरा यहाँ पे देखिए एक सर्कल बन गया है इस तरह से देखिए तो अब हम यहाँ पे एक दो तीन चैन लेंगे और तीन चैन लेने के बाद इसी लूप में जो हमने पहले से यहाँ पे एक लूप बनाया था इस लूप में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और इसी तरह से हमें यहाँ पे आठ डबल क्रोशिया बनाना देखिए इस तरह से हमें एक एक करके आठ डबल क्रोशिया हम सेम इसी लूप में बना लेंगे ये शॉल पट्टी वाली है तो इसे कम से कम हमें सात या आठ इसके पट्टी बनाने होंगे तो देखिए इसी तरह से मैंने यहाँ पे चार दो छः और यहाँ पे आठ डबल क्रोशिया सेम इसी लूप में बना लिया है अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से हम अपने धागे को इस तरह से खींच लेंगे और इसके बाद हमें यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच पांच चैन बनाने के बाद हमें अपने क्रूस को इस तरह से घुमाते हुए यहाँ पे पहला वाला चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रूसिया बनाना है देखिए इस तरह से और फिर हम एक चैन लेंगे और एक चैन लेने के बाद फिर से हमें एक यहाँ नीचे एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रूसिया बनाना है और फिर से हमें एक चैन लेना और एक चैन लेने के बाद हमें फिर से देखिए एक एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह से फिर हमें एक चैन लेना और जो आखिरी कट यहाँ पे था वहाँ पे भी हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे पांच चैन छोड़ते हुए एक दो तीन चार डबल क्रोशिया बनाया है और इस तरह से मेरा यहाँ पे एक दो तीन चार लूप बन गए हैं देखिए इस तरह से और फिर यहाँ पे हम एक दो और तीन तीन चैन लेंगे और इसके बाद इस तरह से जो ये मेरा पहला लूप है इसके बीच से हमें तीन डबल क्रोशिया बनाए सेम इसी लूप में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना देखिए इस तरह से और फिर इस तरह से हमें दूसरे वाले लूप में आने तो यहाँ भी हमें इसी तरह से जैसा कि मैंने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाया था तो, तो हमें सेकेंड वाले लूप में चार डबल क्रोशिया बनाना है देखिए इस तरह से हमें बस इसी बात का ध्यान देना है कि पहले वाले लूप में मैंने तीन डबल क्रोशिया बनाया और सेकेंड वाले लूप में हम यहाँ पर चार डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर हम नेक्स्ट में आएंगे तो यहाँ हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है देखिए इस तरह से फिर लास्ट तो ये जो लास्ट वाला लूप है यहाँ पे हमें एक एक करके चार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से देखिए हम यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और चार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से हमें एक दो तीन चार पाँच पाँच इस तरह से चैन लेंगे और चैन लेने के बाद हमें अपने कुरूस को इस तरह से घुमाते हुए तो देखिए यहाँ पे जो मेरा पहला चैन है इसे छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में देखिए इस तरह से ये जो मेरा पहला चैन है इसे छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हम एक डबल कुरुसिया बनाएंगे देखिए इस तरह से और एक डबल कुरुसिया बनाने के बाद हमें फिर से एक चैन बनाना है और फिर नीचे में एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में एक डबल कुरूसिया यानी सेम जो हमने फर्स्ट रो में यहाँ पे सेकंड रो में बनाया था एक डबल कुरुसिया एक चैन एक डबल क्रूसिया एक चैन बस सेम इसी पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे एक चैन छोड़ना है और दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है फिर हम ऊपर में एक चैन बनाएंगे फिर यहाँ नीचे आने के बाद देखिए एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है फिर हम यहाँ पे एक डबल क्रोशिया चैन बनाएंगे फिर हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है फिर एक चैन और ये आखिरी के चैन में हमें इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया बनाना है यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात डबल क्रोशिया बनाया था और सा पहले मैंने यहाँ पे एक पांच चैन बनाया था तो देखिए यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात लूप बन गए हैं बीच में तो देखिए इसी तरह से फिर हम यहाँ पे एक दो तीन चैन बनाएंगे और तीन चैन बनाने के बाद पहले वाले लूप में हमें इसी तरह से देखिए तीन इसके बीच से हमें तीन देखिए ये जो मेरा पहला वाला लूप था इसके बीच से हमें इस तरह से तीन डबल क्रोशिया बनाना जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था बस हमें हर लूप में डबल क्रोशिया बनाना है देखिए अब सेकेंड वाले लूप में हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है हमें इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि सेकेंड वाले लूप में हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से देखिए और फिर अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है फिर नेक्स्ट में भी मतलब अब हमें हर लूप में डबल क्रोशिया बनाना है डिजाइन बहुत आसान है बस हमें एक बार डबल क्रोशिया एक चैन एक बार डबल क्रोशिया एक चैन और दूसरे वाले रो में हमें हर लूप में डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ पे हम कहीं भी चैन नहीं बनाएंगे देखिए इस तरह से तीन चैन बनाने के बाद फिर से जो ये मेरा लास्ट के दो लूप बचे हैं तो इस लूप में हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है देखिए इस तरह से हम यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर हमें यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाना है देखिए इस तरह से यानी हमने यहाँ तीन डबल क्रोशिया और यहाँ नेक्स्ट वाले में यहाँ पे मैंने चार डबल क्रोशिया बनाया था फिर तीन डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया तीन डबल क्रोशिया और फिर हमने यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाया था और फिर से हम यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे तो देखिए मैंने यहाँ पे तीन चैन बना लिया और तीन चैन बनाते ने के बाद एक दो पांच चैन बनाएंगे और पांच चैन बनाने के बाद पहला चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल कुर्सिया बनाना है फिर एक चैन बनाना है फिर पहला चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें इस तरह से एक डबल कुर्सिया बनाना है यानी कि हर बार हम एक चैन नीचे छोड़ेंगे और दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है और इस तरह से ऊपर में हमें एक चैन बनाना और फिर पहला चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना यानी कि टोटल हमें यहाँ पे बारह डबल क्रोशिया बनाना है देखिए हमें बस इस राउंड में इस बात का ध्यान देना है कि मेरा जो ये डबल क्रोशिया हो बारह होना चाहिए देखिए इस तरह से हमें एक चैन को स्किप करना है दूसरे वाले चैन में डबल क्रोशिया कुरु, बनाना फिर यहाँ ऊपर में हमने एक चैन बनाया फिर यहाँ पे एक स्किप करते हुए दूसरे चैन में मैंने डबल क्रोशिया बनाया एक चैन फिर स्किप करेंगे और दूसरे में हमें डबल क्रोशिया, बहुत सिंपल है इस तरह से देखिए देखिए इस तरह से तो देखिए मेरा यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह तो इसी तरह से देखिए एक बारह लॉन्ग बन चुके हैं तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक चैन बनाया है और ये जो आखिरी के लूप है यहाँ पे मैंने एक डबल कुर्सियाँ बनाया इस तरह से देखिए मेरा यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बारह डबल कुर्सियाँ बन गया है यानी कि यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह ग्यारह लूप बन चुके हैं इस तरह से देखिए और इसके बाद हम फिर से यहाँ पे तीन चैन बनाएँगे और तीन चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पर इस लुक में हमें एक 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 करके देखिए यहाँ पे जो मेरा पहला वाला लूप है उसे में हमें एक एक करके सात डबल क्रोशिया बनाना है देखिए सेम हम इसी तरह से सात डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से एक दो तीन चार जब इस तरह से सात डबल क्रोशिया हो जाए आपके तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे ये यह जो मेरा पहला डबल क्रोशिया इसे छोड़ते हुए जो ये दूसरा वाला डबल क्रोशिया हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बना लेना है देखिए इस तरह से और एक स्लिप स्टिच बनाते हुए हमें एक चैन लेना फिर इस तरह से तीसरे वाले तीसरे वाले डबल क्रोशिया में हमें, हमें फिर से एक स्लिप स्टिच बना लेना देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से जो मेरा पहला वाला लूप था इसमें मैंने यहाँ पे तीन चैन बनाते हुए यहाँ पे सात डबल क्रोशिया बना लिया और सेकेंड वाला जो ये मेरा पहला दूसरा वाला था वहाँ पे मैंने एक स्लिप स्टिच बना के इसे इस सात डबल क्रोशिया को जोड़ लिया है फिर हम यहाँ पे तीसरे वाले डबल क्रोशिया में एक चैन बनाते हुए एक स्लिप स्टिच बनाया है और अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए एक चैन बनाएंगे और एक चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से एक चैन छोड़ते हुए एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाने के बाद एक चैन फिर एक डबल क्रोशिया फिर एक चैन और फिर हमें यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर एक चैन बनाएंगे और फिर ये जो लास्ट का मेरा चैन है यहाँ भी हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यानी कि टोटल मैंने यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाया है इस तरह से हमें यहाँ पे एक दो तीन चार लूप मिल जाते फिर हम यहाँ पे एक दो तीन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे जो ये मेरा फर्स्ट लूप है इसमें हमें इस तरह से देखिए तीन डबल क्रोशिया बनाना है देखिए इसी तरह से अब जो हमने यहाँ पे बनाया था सेम इसी पैटर्न को इसी स्टेप को हमें यहाँ पर बनाना है इस तरह से देखिए हमें मैंने यहाँ पे तीन डबल क्रोशिया बनाया है नेक्स्ट वाला में हमें चार डबल क्रोशिया बनाया है। जैसा कि हमने यहाँ पे पहले बनाया था देखिए बस हमें यहाँ पे अब इसे पहले वाले जो ये सेप है इसमें इसे सिर्फ अटैच करना है देखिए इस तरह से लेकिन स्टेप हम मेरा वही रहेगा जो पहले था इस तरह से देखें यहाँ पे फिर से हमें तीन डबल क्रूसिया बनाना है और फिर हमें इसी तरह से हर लूप में अब तीन डबल क्रूसिया बना लेंगे देखिए इस तरह से जब इस तरह से तीन डबल क्रोशिया बन जाए तो देखिए यहाँ पे ये यह जो मेरा यहाँ पे जो एक चैन और एक डबल क्रोशिया बनाता है बस यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें इस तरह से एक स्लिप स्टिच बनाना है फिर एक चैन बनाना है और फिर यहाँ देखिए एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें फिर से एक स्लिप स्टिच बनाना देखिए इस तरह से और फिर हम यहाँ इस तरह से देखिए फिर यहाँ पे हमें एक चैन लेना है और एक चैन बनाते हुए देखिए पहला चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें फिर से एक डबल क्रोशिया एक चैन और फिर एक चैन छोड़ते हुए यानी स्लिप करेंगे देखिए इस तरह से एक चैन फिर एक चैन को स्किप करते हुए दूसरे वाले चैन में हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर एक चैन बनाएंगे यानी हमें इसी तरह से यहाँ पे देखिए जैसा कि हमने यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः सात लूप बनाए थे इसी तरह से हमें यहाँ भी सात लूप बनाने है मेरा तीन लूप बन चुका और चार लूप हमें यहाँ पर बनाना है तो यहाँ तक हम बना लेंगे देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे सात लूप बन गया है और इस तरह से देखिए मेरा डिजाइन कुछ इस तरह से बन रहा है और फिर अब हम यहाँ पे एक दो तीन तीन बनाएंगे और हर लूप में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि दूसरे वाले लूप में हमें यहाँ पे देखिए जब इस तरह से तीन डबल क्रोशिया हो जाए तो इस दूसरे वाले लूप में हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है देखिए इस तरह से और फिर हर लूप में हम तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे आखिरी के लूप में हमें फिर से चार बनाया जैसा कि मैंने यहाँ पे एक छोड़ के दूसरे वाले में चार डबल क्रोशिया बनाया था इसी तरह से हमें यहाँ छोड़कर जब हम यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे पांचवे वाले में तो यहाँ पे हमें एक डबल क्रोसिया बना चार डबल क्रोशिया बनाना है देखे इस तरह से और बाकी के लूप में हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है यहाँ मैंने तीन डबल क्रोशिया बनाया और सेम इसमें इस वाले में भी हमें इसी तरह से तीन डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हम यहाँ पे देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे इस लूप में हमें तीन बनाना है फिर नेक्स्ट में भी आएंगे तो हमें तीन बनाना है बस इसी स्टेप को फॉलो करना है हमें एक बार डबल क्रोशिया एक चैन एक डबल क्रोशिया एक चैन और नेक्स्ट वाले रो में हमें सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना है देखिए इस तरह से हमें एक एक करके यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाना है देखिए इस तरह से फिर लास्ट में हमें तीन बनाना है और जब इस तरह से तीन हो जाए तो हमें यहाँ पे एक चैन छोड़कर देखिए यहाँ पे इस तरह से एक स्लिप स्टिच बना लेना देखिए इस तरह से हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है फिर एक चैन बनाना है और फिर इस तरह से एक चैन छोड़कर दूसरे वाले चैन में हमें एक स्लिप स्टिच बनाना है फिर एक चैन बनाएंगे यानी कि अब हम मेरा डिज़ाइन यहाँ तक बन गया है अब हमें इस तरह से यहाँ पर आना है तो यहाँ पे देखे एक चैन और फिर दूसरे वाले में यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाना देखे इस तरह से फिर एक चैन और एक स्लिप स्टिच एक चैन लेंगे और फिर हमें इसके बीच से एक स्लिप स्टिच बना लेना है देखे इस तरह से और इस तरह से हम जो मेरा ये आखिरी वाला लूप है हम यहाँ पे आ जाएंगे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक चैन और यहाँ पे एक स्लिप स्टिच बनाया इस तरह से हम मेरा जो आखिरी वाला लूप है यहाँ आ जाएंगे और यहाँ हमें देखिए इस तरह से इस लूप में अब सात डबल क्रोशिया बनाना है जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया था सेम इसी स्टेप को अब हमें यहाँ पर फॉलो करना है देखिए इस तरह से हम यहाँ पे सात डबल क्रोशिया बनाएंगे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे सात डबल क्रोशिया बना लिया फिर से हमें यहाँ पे एक दो तीन चार और पांच चैन बनाना तो पांच चैन बनाने के बाद हमें फिर से यहाँ पे एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में एक डबल क्रोशिया बनाए हैं इस तरह से फिर हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और फिर नीचे में हमें एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाना है फिर से एक चैन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे इस तरह से देखिए एक डबल क्रोशिया बनाना है और फिर हम यहाँ पे एक चैन बनाएंगे देखिए इस तरह से हम मैंने यहाँ पे तीन लूप बना लिया है और इस तरह से एक डबल क्रोशिया और एक चैन बनाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे देखिए यहाँ पे एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक स्लिप स्टिच बना लेना है और उसके बाद हम फिर से एक चैन बनाएंगे और दूसरे वाले में इस तरह से हमें एक स्लिप स्टिच बना लेना है देखिए हमें यहाँ पे एक स्लिप स्टिच और बनाना है एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक स्लिप स्टिच इस तरह से बना लेना और उसके बाद अब हम यहाँ आएंगे तो जब हम यहाँ आएंगे तो जो मेरा पहला वाला लूप है उसमें हमें तीन डबल क्रोशिया बनाना है यानी सेम इसी स्टेप को जो हमने यहाँ पे बनाया था उसे फॉलो करना है और फिर बगल वाले में हमें चार डबल कुर्सी बनाने हैं देखिए इस तरह से यहाँ पे हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बगल में हमें तीन बनाना है और फिर लास्ट में हमें यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाना है देखिए इस तरह से फिर हम यहाँ पे तीन चार पाँच चैन बनाएंगे और पांच चैन बनाने के बाद सेम इसी तरह से हमें पहला चैन छोड़ते हुए दूसरे चैन में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है एक चैन बहुत ही सिंपल है बस इसी स्टेप को हमें फॉलो करते जाना है और इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे आके फिर से इस तरह से अटैच कर लेना है तो हम यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे एक डबल क्रोशिया, एक चैन और नीचे हमें एक चैन को स्किप करना है इसी तरह से हम यहाँ पे सात लूप बना लेंगे नीचे यहाँ पे मैंने चार लूप बनाया था तो अभी हमें इसी तरह से सात लूप बनाना है देखिए इस तरह से देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः लूप बनाया और ये मेरा सातवां लूप है तो एक डबल क्रोशिया बनाते हुए एक चैन बनाते हुए हम यहाँ पे देखिए इस तरह से एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें एक स्लिप स्टिच बना लेना है देखिए इस तरह से और फिर हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और फिर यहाँ पे इस तरह से देखिए हमें यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच बना लेना है और उसके बाद अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ हर लूप में हमें तीन तीन डबल क्रोशिया बना लेना है और इसमें हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ सेकंड में भी हमें चार डबल क्रोशिया बनाना है सेम इसी स्टेप को हमें फॉलो करना है और इसी तरह से हम यहाँ से लेके यहाँ तक बना लेंगे देखिए मैंने इसी स्टेप को फॉलो करते हुए यहाँ तक बना लिया है अब हम यहाँ पे इस तरह से फिर से यहाँ पे चार चैन बनाएंगे एक दो तीन चार और ये मेरा पांचवा चैन और पांचवा चैन बनाने के फिर से हमें एक चैन छोड़ के दूसरे वाले चैन में हमें एक डबल क्रोशिया सेम वही दो स्टेप है जो हमें हर राउंड में फॉलो करना है देखिए इस तरह से तो इस तरह से हमें एक सिंगल एक एक चैन एक डबल क्रोशिया, एक चैन एक डबल क्रोशिया, एक चैन करते हुए और हम यहाँ नीचे में एक चैन को स्किप करेंगे इस तरह से हमें यहाँ तक बना लेना है देखिए इस तरह से मेरा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह और ये मेरा बारवा लूप है तो यहाँ पे इस तरह से जहाँ से मैंने यहाँ पे ये डिज़ाइन बन किया था सेम इसी जगह में देखे आके हमें इस तरह से इसे स्टिच से जोड़ लेना है देखे इस तरह से यहाँ पे और फिर यहाँ से अब हमें फिर से एक दो तीन चैन लेना है यहाँ पे और तीन चैन लेने के बाद अब हम यहाँ देखे इस तरह से इसे घुमाते हुए अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और इस तरह से अब जब मैंने यहाँ पे ये यह तीन चैन ले लिया है देखिए इस तरह से यहाँ पे एक चैन लेना है देखिए यहाँ पे मैंने इसे यहाँ पे सिंगल यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ लिया फिर हम यहाँ पे एक चैन लेंगे और एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में देखिए इस तरह से यहाँ पे जो यहाँ पे मेरा जब हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लें तो यहाँ पे एक चैन छोड़ते हुए दूसरे वाले चैन में हमें इस तरह से फिर से एक स्लिप स्टिच बनाना और उसके बाद इस तरह से हमें अपने डिज़ाइन को घुमा लेना इस तरह से जो ये मेरा है, फिर से एक लूप आएगा तो इसमें हमें फिर से इसी तरह से देखिए एक एक करके यहाँ पे सात डबल क्रोशिया बनाना है जैसा कि हमने यहाँ पे बनाया था इसी स्टेप को अब हमें यहाँ पर बनाना है तो देखिए इसी स्टेप को फॉलो करते हुए मैंने अपने डिज़ाइन को देखे यहाँ तक बना लिया देखिए इसी तरह से मैंने इसे बना लिया और इसे आप अपने शॉल की लंबाई के अनुसार बना सकते हैं जितना आपको अपने शॉल की लंबाई रखनी है इस तरह से हमें कम से कम सात या आठ पट्टी रखनी है ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने सॉल को कितना चौला रखेंगे तो इसी तरह से देखें मैंने हर पट्टी बनाकर तैयार रखी है तो अब इसे हमें इस तरह से इसे और इसे जोड़ लेना है देखिए इस तरह से हम इसे इसमें इस तरह से अटैच कर लेंगे आप देख ही रहे पहले मैंने यहाँ से बनाया था फिर इसे बनाया फिर मैंने यहाँ बनाया फिर इस तरह से और इसी तरह से हम अपने डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। तो अब आप मैं आपको बताऊँगी कि इन दोनों पट्टियों को जोड़ना कैसे तो सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से देखिए जो ये मेरा लूप बना है यहाँ पे हमें इस तरह से हमें अपने को यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक काठ लगा लेंगे तो देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से एक नॉट बना लेना ताकि ये खुले नहीं और उसके बाद अब हम यहाँ पे इस तरह से देखिए चैन बनाएंगे एक दो तीन और तीन चैन बनाने के बाद इस तरह से जो ये मेरा दूसरा वाला लूप है हमें इस तरह से यहाँ पे इसे जोड़ लेना है और फिर से हम यहाँ पे तीन चैन बनाएंगे एक दो तीन और तीन चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ से ये जो मेरा यहाँ पे है देखिए इस तरह से हमें इसमें आ जाना है और यहाँ पे एक सिंगल स्टिच बनाएंगे, देखिए सिंगल क्रोशिया बनाते हुए फिर से हमें यहाँ पे एक दो और तीन तीन चैन बनाने के बाद अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, देखिए इस तरह से और फिर हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाते हैं फिर से हमें यहाँ पे एक दो तीन तीन चैन बनाना और तीन चैन बनाने के बाद अब हम इस तरह से यहाँ पे आ जाएंगे देखिए इस लुक में और यहाँ पे एक सिंगल क्रूसिया बनाना है यानी तीन चैन एक सिंगल क्रोशिया देखिए इस तरह से फिर अब हम एक दो तीन तो फिर देखिए यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ भी हमें एक सिंगल क्रूसिया बनाना है और फिर अब हम हाँ यहाँ पे इस तरह से देखें फिर से हमें हाँ तीन चैन बनाना है एक दो तीन और फिर यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें हाँ एक सिंगल कुरुसिया बनाना है देखें इस तरह से और फिर हम हाँ एक दो तीन और फिर इसके बाद अब हम हाँ यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से देखें और फिर यहाँ पे सिंगल क्रूसिया बनाना है यानी कि हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से जोड़ लेना है देखिए इस तरह से एक बार हम यहाँ आएंगे फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है और यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ इस तरह से हमें जो अपना लाइन है यहाँ पे इसे हमें मिलाकर रखना है आगे पीछे नहीं करेंगे इस तरह से देखिए हर लाइन को जो ये मेरा डिज़ाइन है इस तरह से जैसे जैसे इसमें है इसी तरह से यहाँ भी इसी तरह से यहाँ पे इस तरह से मिला रखना देखिए तो इसी तरह से मैंने इसे Osionfish. बना लिया है देखिए सेम आप देख सकते हैं है इस तरह से कि कैसे मैंने इसे जोड़ लिया है इन दोनों को इस तरह से देखिए और इसी तरह से मैंने पूरे पट्टी को जोड़ लिया और यहाँ पे देखिए मैंने इस तरह से एक दो तीन चार पाँच छः और सात पट्टी बनाई है इस तरह से और सब पट्टी को जोड़ने के बाद इस तरह से मैंने चारों तरफ से बॉर्डर बना लिया यहाँ पे देखिए मैंने तीन डबल क्रोशिया एक चैन तीन डबल क्रोशिया करते हुए मैंने अपने शॉल के चारों तरफ इस तरह से बॉर्डर बना लिया है तो देखिए ये बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में